खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। ये वाक्य आज से सालों पहले महात्मा गांधी ने कहे थे, और इन वाक्यों को अगर किसी व्यक्ति ने हकीकत में बदला है तो वो है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क अफ्रीकी मूल के इन्वेस्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन है, और आज के समय में वे पूरी दुनिया में अपनी दूरगामी सोच की वजह से काफी प्रसिद्धि पा चुके हैं। इलॉन मस्क की सोच हमेशा से ही इंसानों की परेशानियों को दूर करने पर केंद्रित रही है, और इसी सोच की वजह से वे पूरी दुनिया भर में जीनियस एंटरप्रेन्योर के नाम से भी जाने जाते हैं। इलॉन आज के समय में फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 21वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जन्म से अमीर नहीं होता। इस पायदान पर पहुंचने के लिए उसे ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह ही इलॉन मस्क ने भी बचपन से ही काफी मेहनत की, और बहुत सारे संघर्षों के बाद आज वे लाखों युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इलॉन मस्क के इस मोटिवेशनल लाइफ जर्नी को हम शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 46 साल पहले से, जब साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में 28 जून 1971 को इलॉन मस्क का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एरोल मस्क था, और वे एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे, और उनकी माँ का नाम मेई मस्क था, जो कि एक मॉडल और डाइटिशियन थी। इलॉन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफी दिलचस्पी रखते थे और हमेशा ही किताबों के आसपास देखे जाते थे, और सिर्फ 10 साल की उम्र में उनको कंप्यूटर्स में भी काफी इंटरेस्ट हो गया था, और सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला, जिसे कि उन्होंने $500 की कीमत पर पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी को बेच दिया, और यहीं से इलॉन मस्क की प्रतिभा साफ साफ झलकने लगी थी। वो बचपन में आइजैक आसिमोव की किताबें पढ़ा करते थे, और शायद यहीं से उनको टेक्नोलॉजी के प्रति इतना लगाव हो गया था। बचपन में इलॉन को स्कूल के दिनों में बहुत परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों के एक ग्रुप ने उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया, और उनको तब तक मारा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गए। इसके लिए उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, इलॉन मस्क को भले ही बचपन में इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर आगे चलकर उन्होंने मानवता के हित में काफी सराहनीय काम किए। 17 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की, और वहां पर 2 साल पढ़ने के बाद वे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफर हो गए, जहां उन्होंने 1992 में फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1995 में इलॉन मस्क PhD करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहां पर रिसर्च शुरू करने के मात्र 2 दिन के अंदर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल व्यवसायी बनने के लिए अपने कदम बढ़ा लिए। 1995 में अपने भाई के साथ इलॉन मस्क ने Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे कि आगे चलकर कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन जैसी बड़ी रकम देकर खरीद ली, और इसके बिकने के बाद Zip2 में अपने 7% के शेयर से इलॉन मस्क को कुल $22 मिलियन मिले, और फिर 1999 में इन पैसों में से $10 मिलियन का इन्वेस्ट करते हुए इलॉन ने X.com की स्थापना की, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी, और 1 साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई। और दोस्तों, बता दूं कि कॉन्फिनिटी कंपनी की एक मनी ट्रांसफर सर्विस हुआ करती थी, जिसे कि अब हम पेपाल के नाम से जानते हैं, और तभी से लेकर अब तक पेपाल मनी ट्रांसफर का काफी लोकप्रिय माध्यम रहा है। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन की अविश्वसनीय रकम देकर खरीद लिया, और इस डील के बाद इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। और दोस्तों, बता दो कि इलॉन मस्क पेपाल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, और फिर 2002 में अपने जमा किए हुए पैसों में से $100 मिलियन की बड़ी रकम के साथ इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी की स्थापना की, और यह कंपनी आज के समय में स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल बनाने में कार्यरत है। और मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2030 तक वे इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की पूरी तैयारी में है। 2003 में इलॉन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला इंक नाम की एक और कंपनी की शुरुआत की, और 2008 के बाद से ही वे टेस्ला के CEO के तौर पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों, शायद आपको तो पता ही होगा कि टेस्ला की खासियत इसकी लाजवाब इलेक्ट्रिक कार्स हैं। और फिर 2006 में मस्क ने अपने कजन की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया करवाकर इसे शुरू करने में अहम रोल अदा किया,
और फिर 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट में सोलर पावर सिस्टम मुहैया कराने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और फिर आगे चलकर 2016 में टेस्ला इंक ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया और आज के समय में सोलर सिटी पूरी तरह से टेस्ला इंक के अंतर्गत ही काम करती है। दिसंबर 2015 में इलॉन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम ओपन AI रखा गया, जिसके तहत वो मानवता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फायदेमंद और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। 2016 में इलॉन मस्क न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी के को-फाउंडर बने और यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने के काम में लगी हुई है। तो कुल मिला जुलाकर दोस्तों, देखा ना आपने एलन मस्क किस तरह से अलग अलग तरह के बहुत सारे कामों में लगे हुए हैं और इस बात से उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके जैसा सोच रखने वाले व्यक्ति ही कुछ बड़ा कर पाते हैं। वैसे तो आज वो एक जानी मानी हस्ती हैं और दुनिया भर में नाम कमा चुके हैं, लेकिन उनका मानना है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे कि बेहतर करके मानव के हितों में काम किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको एलन मस्क की यह लाइफ स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।